देख रहे हैं लाइव आज। हर जनपद बिजनौर के नजीबाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं नजीबाबाद तहसील स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे फार्मासिस्टों ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर दिन गुरुवार को धरना दिया गया। इनके द्वारा पहले चरण में 4 दिसंबर को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। दूसरे चरण 5 दिसंबर को ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। तीसरे चरण में आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नजीबाबाद पर पहुंचकर 2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। चौथे चरण में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक पूर्ण कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। आकस्मिक सेवा एवं पोस्टमार्टम सेवाएं बंद नहीं रहेगी। इसी के साथ साथ पांचवें चरण में फार्मासिस्ट के अधिकारी कर्मचारी प्रदेश कार्यकारिणी की सभी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना पर रहेंगे, जिसमें आकस्मिक सेवाएं एवं पोस्टमार्टम सेवाएं भी बाधित रहेंगी। आज न्यूज चैनल में जनपद बिजनौर तहसील नजीबाबाद से रिपोर्टर डॉक्टर खिजर जावेद खान की खास रिपोर्ट। जी, आपका नाम? अनिल कौशिक। क्या समस्या है आपको? कुछ मांगे हैं जिसमें जिसके लिए हम यहाँ पर जो है चरणबद्ध तरीके से धरना करने बैठे हैं। क्या समय है धरने का? 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है 10 से 12 बजे तक। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो ये हमारी चलता रहेगा। जी, आपकी यूनियन का नाम? सर, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आपका नाम? मेरा नाम सर रवि प्रताप सिंह, फार्मेसिस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नांगल सोती। पद क्या है आपका? सर मैं संगठन मंत्री, जिला संगठन मंत्री के पद पर कार्यरत हूं। क्या समस्याएं हैं आपको? समस्याएं हमारी कई मांगे हैं सरकार से, जिसमें स्पेशली वेतन विसंगति, पदनाम हमारा जो परिवर्तन होते फार्मेसिस्ट के स्थान पर फार्मेसी अधिकारी होना है वो है, प्लस इंचार्ज भत्ता, और भी कई मांगे हैं जो हमने सरकार को ज्ञापन दे चुके हैं। ये कैसे चल रही है आपकी हड़ताल? फिलहाल प्रातः 2 घंटे का कार्य बहिष्कार पूरे ही प्रदेश में चल रहा है इस समय। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होती सर तो हम अभी चरणबद्ध तरीके से 20 तारीख से पूर्ण हड़ताल हो जाएगी सभी। धन्यवाद।